गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है चेंजर वायरिंग करेंगे, ठीक है। चेंजर वायरिंग मतलब घर में हम लोग लगाते हैं ताकि एक साथ आप जनरेटर का भी लाइन और जो करंट एसी होता है और जो एसी लाइन और जनरेटर का लाइन दोनों एक साथ आप लोग वायरिंग कर सकते हैं, मतलब दोनों एक साथ आप लोग यूज कर सकते हैं। जब लाइन रहेगा तो लाइन यूज कीजिए, लाइन कट जाएगा तो जनरेटर आप यूज कर सकते हैं सेम वायरिंग पर, मतलब एक ही लाइट एक ही बॉल के लिए घर में जितना है। नीचे दिखाइए नीचे, हाँ यस। अब मान लीजिए आपके सामने चेंजर है, ठीक है, तो चेंजर है, इसको हम लोग ये बॉक्स बंद कर दिए और इसको आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है, इसको ऑन किए कैसे वायरिंग होता है, ठीक है। इसमें ध्यान से देखिएगा आप, एक दो तीन चार ध्यान दीजिएगा, जो ये पत्ती आपस में शॉर्ट रहता है ना, ये जो पत्ती आपस में शॉर्ट रहता है इसी में हम लोग घर में लोड देते हैं, मतलब इसी से लाइन लेंगे, वो लाइन बिजली बिल का हो या जनरेटर का हो बात बराबर है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें दो तार यहाँ है और दो तार यहाँ है, ऊपर में दो तार है, ठीक है। तो मतलब जो पत्ती आपस में शॉर्ट है ना उसी से हम लोग लाइन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब जो लाइन लेते हैं ना वो जनरेटर का भी हो सकता है और लाइन का भी हो सकता है। तो और पीछे कीजिएगा, देखिए जैसे कि ये वायर, ये हमारा वायर जो है ना पत्ती में शॉर्ट नहीं है, और ये जो ब्लू वाला है और ब्लैक वाला है एक, ये पत्ती में शॉर्ट, ये घर में जाएगा, ठीक है। अब नीचे कीजिएगा, घर में जाएगा मतलब का ब्लू, देखिए ब्लू ये इसे शॉर्ट है और एक ब्लैक यहाँ पर शॉर्ट है, तो मतलब एक आपका फेज एक न्यूट्रल कोई भी आप मान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए ऊपर में आप ये पीला वाला वायर फेज है और नीचे वाला वायर न्यूट्रल है, ये गलत हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में यदि फेज रहेगा तो नीचे में भी फेज रहेगा। ये ऊपर वाला लाइन आ रहा है हमारा, ये जो पोल पर से लाइन आ रहा है, पोल पर से नीचे से जो हम लोग लाइन दे रहे हैं जनरेटर से दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो उजला तार है ना जनरेटर का तार है, लेकिन फेज का है, न्यूट्रल का नहीं है। और जो पीला वाला वायर है ये एसी का लाइन है, करंट है, ये भी फेज है, न्यूट्रल नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आप लाइन उसी से लीजिएगा मतलब जिसमें शॉर्ट रहेगा, ठीक है। और जो जिससे लाइन लीजिएगा ना उसमें कोई तार जोड़िएगा नहीं, बस लेने वाला ही तार जोड़िएगा, मतलब उससे आप लाइन ले सकते हैं, मतलब घर में जो लोड देंगे ना वही तार जोड़िएगा, उसमें कोई सप्लाई देना नहीं है, मतलब वोल्टेज जनरेटर का हो या पोल का हो कोई सप्लाई देना नहीं है, ठीक है। आप इसका ड्रॉइंग देख लीजिए, ये मेरे सब आपको ड्रॉइंग में दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए जनरेटर है और ये आपका चेंजर का फिगर है जो आप ड्राइंग में देख रहे थे, और ये एनर्जी मीटर का है, ठीक है, ये घर है। तो एनर्जी मीटर आप चाहे एनसीबी लगाइए या एनर्जी मीटर, एनर्जी फर्स्ट में देखिए पोल पर से जो लाइन आता है ठीक से वो तो एनर्जी मीटर में ही जाएगा, एनर्जी मीटर के बाद ही आप चेंजर लगाइए चाहे एनसीबी लगाइए चाहे जैसे भी लगाना आप चलिए, डोंट माइंड। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जनरेटर है, ये चेंजर है, एनर्जी मीटर है। अच्छे से देखिए इसको एक बार ड्राइंग अच्छे से दिखाइए ताकि समझ में आ जाए अच्छे से, हाँ, और अच्छे से आप ड्राइंग एक बार देख लीजिए। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ लाइट एक बार देख लीजिए अच्छे से लाइट, अब यहाँ पर आते हैं पॉइंट है ना। देखिए सबसे पहले क्या हम लोग किए हैं, एनर्जी मीटर लाइन दिए हैं, फेज देखिए फेज यहाँ पाया और इसका न्यूट्रल यहाँ पाया, जो यही चीज में जो आपस में शॉर्ट रहेगा यदि नहीं भी रहेगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से मैं लिया हूँ जो घर में जा रहा है, ये वायर यहाँ से लिए हैं, ये न्यूट्रल, और ये तार आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं और यहाँ भी, जहाँ भी आपका इंटरेस्ट लगे वहाँ जोड़ सकते हैं। जैसे ये तार यहाँ भी जोड़िए चाहे यहाँ, बात बराबर है, ये तार यहाँ जोड़िए चाहे यहाँ, बात बराबर है। तो डीजी में से दो लाइन आया है, देखिए न्यूट्रल और फेज, और ऊपर भी फेज है, तो यही चीज़ यहाँ पर सोचना है जब अच्छे से आप वायरिंग करेंगे तो ये चीज़ फेज है यहाँ भी फेज होना चाहिए, ये चीज़ न्यूट्रल है तो यहाँ भी न्यूट्रल होना चाहिए। और आप लेने वाला पॉइंट बस आप यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से कहीं से ले लीजिए। यदि हम चेंजर नीचे करते हैं तो हमारा जनरेटर काम करेगा, ऊपर करते हैं तो लाइन से काम जाएगा, लेकिन घर में सप्लाई जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा माइंड में,
तो जब चेंजर रिखर में आपका लगा है, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई फॉल्ट हो गया, तो चेंजर में बीच में करने से लाइन कटता है। यदि बीच में आप कर देंगे तो लाइन कट जाएगा, ऑफ हो जाएगा। नीचे करेंगे तो भी लाइन मारेगा, ऊपर करेंगे तो भी लाइन मारेगा। तो ध्यान रखिएगा, लाइन से यदि बचना है, कभी बाय द वे ऐसा शॉर्ट सर्किट होता है या कोई फॉल्ट होता है, तो चेंजर को हमेशा बीच में कीजिए, न्यूट्रल में। बीच में कर देंगे लाइन कट जाएगा, ठीक है। ये रहा छोटा सा आपका वीडियो चेंजर के ऊपर, जो सिंगल फेज चेंजर है। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे थ्री फेज चेंजर या डिफरेंट डिफरेंट वायरिंग मिलेंगे, बट ये सिंगल फेज चेंजर है जो आप घर में लगा सकते हैं। और आपके घर में 10 गो बोर्ड है, ये मान लीजिए छोटा सा घर दिखाई दे रहा है, छोटा सा घर है या बड़ा सा घर है, आप इसमें अच्छे से अच्छे आप चेंजर लगा सकते हैं। थैंक यू।